ज्योतिर्मठ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को फिर से दोहराया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर एक अच्छा कदम उठाया है। देहरादून पहुंचे शंकराचार्य ने प्रसिद्ध कथावाचक गोपाल मणि महाराज के गौ कथा और गौ रक्षा को लेकर किया जा रहा है प्रयासों की भी सराहना की है। शंकराचार्य ने कहा कि गौ रक्षा के लिए देवता भी अवतार धारण करते रहे हैं और गायों के पीछे पीछे घूमते रहे हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में भी गौ रक्षा के लिए ही लोग काफी संख्या में जुड़े हैं। हमारे जो देवता हैं भगवान, वो भी गौ रक्षा के लिए अवतार धारण करते रहे, गायों के पीछे पीछे घूमते हैं और उनके मान समर्पित करते हैं। गाय हमारी संस्कृति का आधार स्तंभ है। हमारे शास्त्रों में कहा है कि धरती जिन स्तंभों पर टिकी है उनमें से गाय भी एक है, इसलिए गाय के बारे में पर्याप्त महात्म्य कहा गया है। इसलिए सनातनी पक्के गौ भक्त हैं, सदा से वो मांग कर रहे थे कि गौ हत्या को बंद किया जाए और गौ को माता के रूप में प्रतिष्ठित किया जाए। यहाँ तक कि अंग्रेजों को भगाने का जो आंदोलन चला, स्वतंत्रता आंदोलन, उसमें भी लोगों ने इसीलिए बढ़ चढ़ करके भाग लिया कि वो चाहते थे कि अंग्रेज गौ हत्या कर रहे हैं, उनको भगा दिया जाए। लेकिन दुख की बात है कि 78 साल हो गए आज़ादी के, लेकिन अभी तक हमारे नेताओं ने ये वादा पूरा नहीं किया। इसलिए अब हम लोग एक बार प्रतिबद्ध हुए हैं कि अब इस पर निर्णय करना पड़ेगा कि हमारे देश की सरकारें क्या चाहती हैं, क्या हमारी भावना के अनुरूप वो गाय को माता कह करके उसके हत्या को दंडनीय अपराध घोषित करेंगी, या फिर वो ऐसा ही करते रहना चाहती हैं। अगर वो हमारी भावना के अनुरूप कार्य करती हैं तब तो हम लोग उनको चुनेंगे, नहीं तो उनसे अपने संबंध स्थापित करेंगे।